है आप? मैं तो गोरखपुर से हूँ महाराज जी के यहाँ से। तो उधर क्या हालचाल है महाराज जी? तो मंदिर के सामने का सब तोड़वा के चौड़ा कर दिया सड़क। मंदिर भी तो तोड़वाए हैं, अपना मंदिर भी तोड़वाए हैं। बहुत बढ़िया विकास हुआ है गोरखपुर में। अगर आप 5 साल पहले गए होंगे और 5 साल बाद इस समय जाइए तो। हम 5 साल नहीं, हम हर 2-3 महीने पर हर शहर में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ बहुत ही विकास हुआ। आपको बता दिया मैं, इतनी दुकानें बन गई मंदिर के अगल बगल, गेट कितना बड़ा बन गया, सड़क कितना चौड़े, कितने लोगों के घर भी टूट गए। अरे टूट गए तो उनको कहीं बसाया भी गया है, ऐसा नहीं कि तोड़ के छोड़ दिया गया कि जाओ अब सड़क पर रहो। तो जिसका जिसका घर था उनको मालूम है मुआवजा, उनको कम मिला है जिनके मकान। अच्छा छोड़िए, वहाँ का क्या माहौल है बताइए, इधर आप रहते यहाँ हैं कि आए गोरखपुर से? हम गोरखपुर से आए हैं। क्या माहौल चल रहा है? सब बीजेपी है इस समय ईस्टर्न यूपी में, तो बीजेपी की स्थिति क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी मजबूत स्थिति, बिल्कुल मजबूत है एकदम। ये जो गठबंधन वाले, वो सब खाली ठगबंधन है। जो नेता लोग कहते हैं ठगबंधन गठबंधन, वही है। इन लोगों को खाली अपना बचाना है भाई, इनका कोई एजेंडा नहीं है भाई। एजेंडा होना चाहिए कि हम पब्लिक को, हम इनको हरा के पब्लिक को क्या देंगे, क्या करेंगे, यह नहीं कोई कह रहा है। खाली यह कह रहा है कि हम जो है केवल हम लोग गठबंधन कर रहे हैं, हटाना है, लोकतंत्र बचाना है। हाँ लोकतंत्र बचाना, लोकतंत्र कहाँ गया है? लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं रहता तो मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बोल पाता? जिसको मन कर उसको गाली दे दे रहे हैं, जिसको मन कर कुछ भी कह दे रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं है। जहाँ मन कर वहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये खाली जो है, ये लोग जो है अपना जो साम्राज्य स्थापित किए हैं भ्रष्टाचार करके, उस को बचाने के लिए ये लोग अपना गठबंधन कर रहे हैं। अगर मोदी को, अगर मोदी को हराना है तो आप देश के लिए क्या करेंगे? यह तो एजेंडा लाइए जनता के सामने कि हम मोदी को हटा देंगे, तो मोदी के बाद किसको लाएंगे और क्या करेंगे देश के लिए? यह तो होना चाहिए कि नहीं? नेताजी क्या हाल चाल है? नमस्कार, क्या हाल है मेरे भाई लाइए, कहाँ है आजकल एकदम दर्शन? हम इधर ही उधर घूमते रहते हैं। और क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहाँ इधर? अब लगता है अब इंटरव्यू चला दीजिएगा कहाँ। अभी तो सीपी आया हूँ मित्रों से मिलने के लिए। चुनाव ना लड़ने का नहीं इरादा है? नहीं नहीं, अभी चुनाव का कोई माहौल नहीं। चुनाव तो 24 में आएगा ना देश में। क्या लग रहा है देश दुनिया समाज का माहौल? देश और दुनिया का दो धारा है, एक जो लगभग हमेशा 49 दल, कभी 42 दल, कभी 43 दल, अभी भी हमको लगता है 28 दलों का गठबंधन है भाजपा। मोदी जी बोलते हैं कि अकेले मोदी हैं और सब विपक्ष एक तरफ है, ये भी 28 दल हैं, 24 दल हैं, इसको नहीं बोलते हैं। देश की जनता बहुत परेशान है, त्राही माम है, चौतरफा त्राही माम है। अब 24 में जनता फैसला लेगी, जनता की चलेगी कि नेताओं की चलेगी? जनता कहाँ परेशान है। आप वैसे आप किस पार्टी में है, किसी में है? पार्टी में तो है ही, लेकिन पार्टी से ये मतलब नहीं है, ये पार्टी से ऊपर उठ का विषय है कि देश कहाँ खड़ा है। पहले देश की पार्टियाँ कहाँ खड़ा है? 3 ट्रिलियन इकॉनमी से ऊपर जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। और यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, तमाम देखिए हिंदुत्व की धारा, विकास, हिंदुत्व प्लस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, तीनों में देखिए। देखिए मेरा तो आप जानते हैं विकास जी कि मैं शत्रुघ्न साहू हूँ, आस्तिक हूँ। मंदिर में मैं और घर में मैं पूजा करता हूँ, रोज़ पूजा करता हूँ। लेकिन इस जिस तरह से इन्होंने देश को आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है, कहीं जाइए बस पाकिस्तान की चर्चा, हिंदू मुस्लिम की चर्चा, इससे देश नहीं बनने वाला है देश में। और जो 3 ट्रिलियन मतलब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये तो कहीं नहीं दिखता है। बाजार में इतनी महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, लोगों की तकलीफ चरम पर, चारों तरफ त्राही माम है। आखिर चाहिए क्या? इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ गया रोजगार? आपका भी कुछ विचार है ना? ठीक है ठीक है, साफ ठीक। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा रजी। रजी कहाँ के रहने वाले? मैं हाजीपुर, बिहार। यस। क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ। नौकरी करने लगे? हाँ बाहर रहता हूँ, मतलब ताइवान आकर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ ताइवान में। तो इधर कहाँ? दिल्ली। इधर अभी VFS ग्लोबल आया था। अच्छा, वीज़ा के लिए। अच्छा वीज़ा के लिए। एक बात है कि दिल्ली में जो लोग विदेश जाते हैं और वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो ज़्यादातर लोग अपना समय कनॉट प्लेस के इर्द गिर्द ही बिताते हैं। पास में यहाँ से थोड़ा व्यू अच्छा मिल जाए इसीलिए। क्या है
तुम्हारा विचार आज के समाज के बारे में? आज का समाज सही है, गलत सही तो हमेशा रहता ही है, बट वही है कि अब पॉलिटिशियन जो है हमारे, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पर, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम करना चाहिए। थोड़ा इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर रहा ना अभी का लॉ एंड ऑर्डर, तो वही बस। मतलब इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर रहे, मीन जिस स्टेट में है वो, उसकी जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसका फुली कंट्रोल्ड है लॉ एंड ऑर्डर। ये जो बिहार की गवर्नमेंट, जो तेजस्वी और ये नीतीश मिल गए, ये अच्छा किया? अब उन्होंने मिला है, अब अच्छा तो करेंगे नहीं करेंगे वो तो दिखना चाहिए ना, दो तीन साल में अगर नहीं दिख रहा है दैट मीन्स नहीं करा है। तो अभी तो मिले जस्ट 6-7 महीना हुआ ना, एक साल हो गया हाँ लगभग। 9 अगस्त में गया था पटना, 9 अगस्त को उन्होंने, सब अपना पर्सनल फायदे के लिए ऐसा करते हैं, पब्लिक ऐसा, पब्लिक के फायदे के लिए अगर उन लोग करे तो वो तो दिखेगा ना, वो क्या बोलते हैं विकास देखना चाहिए, बट वो तो दिखता नहीं है ना। इधर आओ यार, आप इधर आओ। देश का समाचार क्या है, कुछ बताएंगे, माहौल क्या चल रहा है, विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, बंगलोर में बैठक है, बड़ा तो के सब जानकारी रहता है प्रभु। ये तो आप सबका आशीर्वाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विपक्षी एक कहीं अगर एक साथ में अगर 20 आदमी रहेंगे तो 20 मत हो ही जाता है। अच्छा मैं बता दूं, ये कनॉट प्लेस पर मौर्य जी ना, मौर्य जी चाय बेचते आपको अक्सर मिल जाएंगे, और ये चाय जितना कनॉट प्लेस में बेचने वाले हैं उनको भारत की राजनीति एक एक प्रदेश की मालूम रहती है, सब नेता का भी मालूम रहता है, क्योंकि कनॉट प्लेस में सारे नेता या सारे प्रांत वाले आते ही हैं हमारे पार्लियामेंट होने के कारण, तो कुछ न कुछ तो रात त्यौहार मिल ही जाता है। तो अभी क्या मिल रहा है देश का मिजाज? देश का मिजाज हमारा, पहले मैं कह चुका हूँ पूरे भारतवासी से कि हमारा जादूगर कहीं कमज़ोर नहीं है अभी, इसलिए कि हमारा अभी BJP प्लाप होने वाला नहीं है। एक बार बताओ, 2014 और 19 के मुकाबले ग्राफ ऊपर है कि नीचे? इसे सेम जाएगा, एकदम जरा से भी गिरावट नहीं आएगी, गिरावट के कोई संभावना नहीं दिख रहा है। ये सब जो एक हो रहे, मैं के पहले बताया ना कि जैसे अब जैसे बाबा शरद पवार जी कुछ हिम्मती नेता थे, अब तो उनका अपने में ही गाना गाना हो गया है, अब वो हिम्मत कहाँ से जुटाएंगे। कहाँ कि शरद पवार का जो मेहनत मैंने देखा था और सुना भी था, वो हिम्मती थे, लेकिन अब वो अपने में गाएंगे, दूसरे में गाना गाने लायक ही नहीं रह गए हैं, उनका भतीजा उनको खुद ही गाना बंद कर दिया है। तो ऐसे ऐसे कई हैं कि जैसे तेजस्वी यादव जी हैं, मान लो पिताजी के गाने से अभी उनको वक्त नहीं मिला है बल, उपेंद्र कुशवाहा जी चले ही गए हैं, ऐसे ऐसे दो एक राजनेता हैं कि जो कि कुछ बल दिखाएंगे लेकिन उनकी अभी ताकत इकट्ठा नहीं हो पाएगी। आप भी कुछ बोलना चाहते हो, आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं जामिया में। जामिया में ग्रेजुएशन कर रहे हैं।